नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी MSc फाइनल मैथमेटिक्स के ऑप्शन पेपर एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की स्टडी अपन इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। हमारा करंट टॉपिक ग्राफ थ्योरी है और ग्राफ थ्योरी के अंदर हमने पिछले वीडियोस के अंदर आइसोमोरफिज्म आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। आज अपन कुछ और टॉपिक्स ग्राफ थ्योरी के स्टडी करेंगे, जिनके अंदर वॉक, ट्रेल, पाथ, साइकिल, सर्किट, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलिए पहले अपन लेते हैं वाक। सपोज आई हैव ए ग्राफ, सच टाइप ऑफ ग्राफ, दिस वन इज V0, V1, V2, V3, V4, V5 and V6. And there are some edges. I say this is E1, this is E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, and E9. There are 9 edges. This is our graph. Suppose this is our a graph where the set of vertices V has V0, V1 to V6, total number of vertices, and the set of edges are E1, E2, to up to E9. There are 9 edges. If I move from a vertex V1 or V0 से, तो मैं यहाँ से move करता हूँ और इसमें graph के ऊपर इस तरह से चलता जाता हूँ। इस तरह से मूव कर रहा हूं मैं, और वापस यहां आ गया। तो मैंने स्टार्ट किया मेरी वॉक को फ्रॉम V0 थ्रू E1 से V1 पर पहुंचा, V1 से E2 के थ्रू में V2 पर पहुंचा, V2 से मैं E8 के थ्रू में V6 पर पहुंच गया, और इस तरह से मैंने मेरी वॉक कंप्लीट करता करता, और सपोज कीजिए कि मैं वापस यहां पर V3 पर रुक जाता हूं, V6 के बाद में E7 से V3 पर आया। तो दिस इज ए वॉक। V3 E7 के थ्रू यहां आया, और फिर मैं मान लीजिए ऊपर की तरफ मूव कर गया V5 की तरफ, तो E6 के थ्रू मैं V5 पर मूव किया, V5 से E5 के थ्रू मैं नीचे V4 पर आ गया, एंड देन अगेन E4 के थ्रू V3 पर आ गया, और V3 के बाद में वापस मान लीजिए मैं E3 के द्वारा V4 से E5 के द्वारा E4 के द्वारा मैं V3 पर आया, एंड V3 से वापस E3 के द्वारा V2 पर आ गया। तो ये V0 से लेकर V2 तक मेरी एक वॉक है, जिसके अंदर कुछ एजेस का रिपीटेशन हो सकता है, कुछ वर्टिसेस का रिपीटेस हो सकता है। तो अगर मैं इस इन सिंपल ले अपन डेफिनेशन टाइप में ले, तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, इन ए ग्राफ वाक इज ए सीक्वेंस, वाक इज ए सीक्वेंस
और से अल्टरनेटिंग सीक्वेंस वर्क फ्रॉम वी जीरो टू वी एन इज एन अल्टरनेटिंग सीक्वेंस alternating sequence v0 e1 v1 e2 v2 and vn minus 1 en and vn. This is an alternating sequence. It start from a vertices, then S, then again vertex, then S, then a vertex, and in the end there is also a vertex of vertices and edges such that the end vertices and vertices of E I are VI minus 1 to VI and I is equal to 1 to number of edges you take N, so this is N. That is, each edge in the sequence is incident with the two vertices immediately preceding and the following it. That is, each edges in the sequence is incident with two vertices immediately preceding and following it. Thus, a walk is a model of continuous travels along some edges and vertices of a graph G. हम किसी वर्टिस से स्टार्ट करते हैं और एज के थ्रू होते हुए किसी एंड वर्टेक्स पर पहुंचते हैं. डायरेक्टेड ग्राफ, if we have a direction from v0 to vn, then we say that is a direct graph. The length of a walk is the number of occurrence of edge in the walk sequence. Kisi bhi walk ke andar uski length jo hai wo number of edge se hogi. If v0 vn walk is closed, then v0 is equal to vn. आप जिस vertex से start करते हो उसी पर अगर वापस आ जाते हैं तो वो graph आपकी closed walk कहलाएगी, otherwise open walk होती है. A trail इज ए वाक, एक वाक का टाइप है इन विच नो रिपीटेशन ऑफ एच. किसी भी एच का अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा है वाक के अंदर, इसका मतलब देर में बी अलाउ द रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स. से आई टेक दिस वन, this is my v0, this is v1, this one is v2, this is v3, and then this is v4 and this is v5. और मैं कुछ इस तरह से वॉक करूं कि v0 से सब मूव किया मैंने, v0 के बाद में v1 पर चला गया, फिर मैं इधर से इधर आ गया, एंड देन अगेन इधर आ गया, और
वी फोर तक आ गए। तो दिस इज ए वॉक, दिस इज ट्रेन, वी जीरो वी फोर, एक्चुअली दिस इज ए वॉक बट इज कॉल्ड द ट्रेन बिकॉज देर इज नो रिपीटेशन ऑफ एज इन दिस वॉक। इफ आई मूव सच ए वे, V0, V1, V2, V3, then V5, then back to V3. It means the age is repeated. So in a trail, there is no ages in repetitions. Similarly, we have a path. This is an important definition for us. A walk in which no repetition of vertex is called a path. This is not a path. Same for the same graph, if I consider these are V0, V1, V2, V3, and say this is V5 and this is V4. If I move in such a way from here and then here, then this is a path. But if I move from V0 to V1, then V1 to V3, and then V2 and then V1 and then V4, it means V1 is repeated. There are repetition of vertex which is not allowed in a path. So we will consider in graph many times path, or this is also some example of path I can take, and I have given the edge V1, E2, E3, and this is E4, this is E5, and this I say E6. So I say V0, E1 से मैं V1 पर आता हूँ, V1 से मैं E2 के थ्रू V2 पर चला जाता हूँ, E2 से मैं V3 के थ्रू V3 पर चला जाता हूँ, एंड V3 से मैं E5 के थ्रू V5 चला जाता हूँ। तो दिस इज V0 V5 पाथ इन विच आई देर इज नो रिपीटेशन ऑफ वर्टिसेस। फर्स्ट आई मूव फ्रॉम V0 टू V1, देन V2, देन V3, देन V5। तो दिस इज ए पाथ। A closed path is called cycle. Closed path means I'm taking such a graph. मैं यहाँ से ला, इधर आ गया। So this is not a closed path because in the closed path the end vertex and initial vertex will be same. I start from here, not from here, but this is my V1 is the starting point and end point. So you will start from here and move in this direction, और इस पर अपन इस तरह से चलते चलते किसी भी वर्टेक्स का वापस रिपीटेशन नहीं हो रहा और हम V1 के ऊपर आ जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड ए साइकिल। देर आर सो मेनी साइकिल इन दिस ग्राफ, वी कैन टेक दिस साइकिल ऑल्सो। इफ V0 इज दिस वन, V1, V2, V3, V4 एंड V1, we can move from here V1, V1 से V2, V2 से V3, V3 से suppose this is V4 and then V1. This is also a closed path, this is also a cycle, this one is also a cycle. So there are three cycles in this path. One is larger cycle, then smaller, and this is also cycles.
एंड द शॉर्टेस्ट साइकिल और द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइकिल वी से द ग्रिथ वर्ड यूजली इज एम सर्कमफेरेंस ऑफ ए ग्राफ. तो इन ए ग्राफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइकिल इन ए ग्राफ इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए ग्राफ. अपन सर्कमफेरेंस डिफाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस वन वी हैव थ्री साइकिल्स. वन साइकिल इज V1, V2, V3, V4 एंड V1. अनदर साइकिल इज V1, V2, V3 एंड दिस इज से V5 एंड V6. देन V3 टू V5, V6, V4 एंड V1. And this is also a cycle, V3, V5, V6, V4, V3, V5, V6, V4 and V3. There are considered three cycles. So shortest cycle is whose length of the walk is number of edges. So girth is 4 and the circumference the longest cycle in a graph. So here we say that this is the longest cycle V1 to V2, V3, V5, V6, V4 to up to वापस V1 पर जो आते हैं. तो this is our longest cycle. So the circumference is our here the number of edges 1, 2, 3, 4, 5, 6 in all this cycle. So in this example, the circumference is 6 and the girth is 4, the shortest cycle in a graph. A graph G is connected if every pair of vertex are joined by a path. This is an important definition, very important definition. Path. Oh, sorry, connected graph. A graph G is connected graph if every pair of vertices has a path. कोई भी दो वर्टेक्स अगर ग्राफ में लेते हैं और उनके बीच के अंदर आपके पास एक पाथ मिल जाता है. पाथ मीन्स आपके पास एक वाक मिल जाती है जिसके अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं है किसी भी तरह का वर्टेक्स का और किसी भी तरह का एज. तो दिस इज ए ग्राफ. दिस ग्राफ इज ए आई कैन से कि दिस इज कनेक्टेड ग्राफ. V5, V6, V7 से दिस इज V8 एंड दिस इज V9. आई कंसिडर दिस ग्राफ. दिस इज ए कनेक्टेड ग्राफ. क्यों? कि इसके अंदर किसी भी वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स पर हम किसी पाथ के थ्रू मूव कर सकते हैं. मेरे को V0 से V5 पर जाना है, मैं यहां पर V0 से V5 पर जा रहा हूं. इधर से भी जा सकता हूं विदाउट रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स. तो देयर इज ए पाथ. V4 से V6 पर जाना है तो आई कैन मूव फ्रॉम V4 टू V6. देयर आर सो मेनी पाथ. V5, V6, V4, V7, V6. If I want to move from V4 to V0, there are two paths again, and we can get more paths, say V10. Then there are path we consider from V0 to V4. Then one is from this way. There are three paths from V0 to V4. So a graph is called a connected graph if each pair or say every pair of vertices has a path, then is called connected. Otherwise it is called a disconnected graph, and in disconnected graph there will be a component.
you consider such type of graph. V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 and V8. I have such type of graph and V9. So this graph has a three components. In which one component is V9, no edge is there. Other component is V0, V1, V2, V3, V4, and V5, V6, V7, and V8. There are three components of this graph. This is our graph. Each component are connected itself. जो मेरा सेकेंड कंपोनेंट है इस ग्राफ का, तो इसके अंदर कोई भी दो वर्टेक्स लेता हूं, तो मैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के ऊपर पाथ के थ्रू मूव कर सकता हूं. तो ये बस कंपोनेंट. एंड डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्सेस इज डिनोटेड बाय DUV. Distance between two vertices U and V. This is length of shortest path. Length of shortest path U to V. जो U और V के बीच में जो भी अपने पास shortest path आएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक vertex से दूसरे vertex पर के लिए कई सारे path define हो सकते हैं, तो जो shortest path है उसकी जो length है वो आपके distance between two vertices कहलाएगी. इसी प्रकार geodesic is the UV, the shortest path is called the geodesic. So shortest path है उसको अपन geodesic बोलेंगे. Thank you.